हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं उत्तपमा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं उत्तपमा मिक्स रेडी टू फूड। MTRH का है। मैं मोस्ट ऑफ MTRH यूज़ कर रही हूँ। और यह है एक बाउल। वैसे कटोरी खाली है, फिक्र मत कीजिए। इसमें हम देंगे दही, वो भी खट्टा वाला। खट्टा दही लेना है, याद रखिएगा। ओके, और ये रहा एक बाउल, वैसे खाली है। अब हम उसे भर देंगे। ये देखिए, MTRL का है, उत्तपमा है। वैसे हमने बाहर बहुत खाया है, साउथ इंडियन आइटम हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, पता नहीं। खैर चलो, अब इसे कट करते हैं हम। एक वैसे केक ही अच्छी चलती है, वैसे बहुत टेस्टी बनता है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है। ये देखिए, ये मिक्स है, लगभग उड़द की दाल का है। वैसे हम घर में बनाते हैं ना, वैसे घर में हम रवे का बनाते हैं। ये उड़द की दाल का स्मेल आ रही है इसके अंदर। ओके, अब हम इसमें डाल देंगे। वैसे पूरा पैकेट खाली कर देना। वैसे मैंने 500 ग्राम का है मेरा पैकेट। आप चाहे तो छोटा वाला भी आता है पैकेट, जो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर पहली बार ट्राई करें मेरा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में मत लीजिए, छोटा वाला पैकेट हो उससे ट्राई कीजिए आप। अगर पसंद आए तो और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये रहा मिक्सर। बस इसमें डालेंगे पहले पानी। ये एक कप मैंने पानी लिया है। अब हम इसमें दही डालेंगे, खट्टा वाला दही। खट्टा दही चाहिए, खट्टा। मैं बार बार दोहरा रही हूँ खट्टा दही, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है पैकेट के अंदर खट्टा दही चाहिए हमें। अगर खट्टा दही नहीं है आपके घर में तो छाछ भी चलेगी। आप एक दिन पहले लेकर आ जाइए, या सुबह की छाछ, या बाद में डाल दीजिए, वो भी हो जाएगा। अब इसे मिक्स करने वाले हैं। वैसे मिक्स नहीं हो रहा, लगता है कम है पानी। हाय, चलो अब और एक कटोरी पानी डाल दिया हमने। अब मिक्स करके देखते हैं होता है या नहीं होता है। वैसे मैं म्यूज़िक खुद दे रही हूँ, नहीं अच्छा लग रहा है ना, रहने देते हैं। चलो, एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करना है इसे। वैसे मैंने पानी ज़्यादा डाला था, इस तरह से मिक्सर डालना है। आपको पानी डालना है, लगभग 3 या 4 बैटर होगा कप। हेलो फ्रेंड, लगभग नहीं, एक या दो कप होगा या 2.5 कप होगा बैटर। और मैंने इसमें डाला है 3 कप या 4 कप पानी। आप अपने अनुसार डाल सकते हैं पानी, ठीक है, लेकिन खट्टा दही मत भूलिएगा। ये हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है। बस इस तरह से हमें क्वांटिटी चाहिए हमें उसकी, और बस हमें उसे लगभग 5 या 10 मिनट रेस्ट करने देना है, यानी कि रख देना है 5 या 10 मिनट। तब तक हम हमारी वेजिटेबल्स काट लेते हैं, चलें। ओके, हमने वेजिटेबल्स में लिए है टमाटर, चॉप्स अनियन और ग्रीन मिर्च है, मिर्च और ये ऑयल। वैसे मैं एक बात बताना भूल गई, इसमें मैं धनिया भी डाल रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट करेगा, आप लीजिए। ओके, चलिए 5 या 10 मिनट हो चुकी है, हमारा बैटर देखिए तैयार हो चुका है। वैसे थोड़ा ज़्यादा नहीं लग रहा है, इतने चाहिए हमें बैटर, बराबर है। अगर आपको ये ज़्यादा थिक लगे तो आप पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा ही पानी डालिएगा। ये सॉल्ट है, नमक, नमक पैकेट में नमक नहीं आता। अगर आपको नमक ज़्यादा पसंद है तो ऐसे ही बना सकते हैं। वैसे मुझे नमक कम लगा, इसलिए मैं नमक डाल रही हूँ। अब इसे हम हिला देते हैं, मिक्स वेल, है ना, एक ही डायरेक्शन में। वैसे अभी तक की लगभग भी मेरी सारी वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो मुझे बता दीजिए। ये तो फूल गया यार, ईस्ट आ गया लगता है, देखिए। चलो, अब हम हमारा उत्तपमा रेडी करते हैं। ये हमने तावी ली, वो गर्म हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे तेल। वैसे गैस के ऊपर ही तावी रखनी होती है, सॉरी मैं ज़्यादा ही ज्ञान बांट रही हूँ। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब इसमें तावी से बराबर एक आजू बाजू फैला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। वैसे ऐसे करने में मज़ा आता है, मुझे नहीं आता मेरी। चलिए, हमने तेल अच्छी तरह से लगा लिया। वैसे नॉनस्टिक पैन में अच्छा होता है, लेकिन मैं नॉनस्टिक पैन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, कम इस्तेमाल करती हूँ। देखिए, मैंने चारों बाजू तेल इस तरह से लगा दिया है, थोड़ा गर्म होने देना है हमें। ओके,
अब ये तवे गरम हो रही है, हो गई, सॉरी ये मिक्सर है जो हम डालने वाले हैं। देखिए ये एक डाल दिया, वैसे एक पूरा चम्मच है, चम्मच नहीं चमचा है, चमचा, हाँ चमचा है चमचा। ये देखिए इस तरह से फैलाना है हमें, वैसे पहला है इसलिए हम इसे बहुत प्यार से फैलाएंगे। अब उसमें डालेंगे क्या है, प्याज, कटी हुई प्याज इस तरह से। अब इसमें डालेंगे, क्या डाला मैंने, प्याज ही डाल रही हूँ, प्याज डाला। उसके बाद देखो ये टमाटर, प्याज नहीं दिख रहा लेकिन टमाटर दिख दिया, देखो लाल 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 केसरी वाइट सभी कलर एक साथ ही है। अब इसमें डालेंगे मिर्च, तीखी वाली मिर्च जो मैंने बारीक चॉप कर ली थी, है ना, बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से इसे सजाना है उत्तपमा के ऊपर। और ये है धनिया, हो गया बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम उसे धीमी आंच पर, यानी कि ना ही धीमी और ना ही ज़्यादा फुल फ्लेम पर, मीडियम आंच पर हम इसमें पकाएंगे। लगभग 5 मिनट लगेगी, 5 मिनट से कम लगता है। ये देखो ये सारा वाइट वाइट है ना, वो कम हो जाना चाहिए, वैसे आपको पता चल ही जाएगा, फिक्र मत कीजिए। वैसे उत्तपम डोसे से ज़्यादा बेटर लगता है, मुझे तो डोसा कम और उत्तपम ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे आपको कौन सा अच्छा लगता है, ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें, घर में ऐसा नहीं से बन जाता है। देखिए ये हमारी एक बॉर्डर है ना, वो गोल्डन होने लगी है ना, दिखने में कैसे सुंदर लग रहे हैं ना, खाने में इससे ज़्यादा टेस्टी होगा, ये मेरा पक्का वादा है। हाँ ये तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे, सॉरी फिर से शुरू हो गई। चलो अब ये मेरे ख्याल से हो चुका है, देखिए है ना, ये गोल्डन गोल्डन हो गया किनारे। अब हम उसे लगभग निकाल ही देंगे, मेरे ख्याल से हो चुका है उत्तपम। देखिए वाह चाली पड़ रही है, गोल्डन हो चुका है, वह उसे निकाल दे। देखो आपको निकालना भी सिखा रही हूँ मैं, एक तरफ से किनारे से किस किस के हम निकालेंगे नहीं इस तरह से ट्राई कीजिएगा अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। बिल्कुल वाइट ऑमलेट जैसा लग रहा है ना, ऑमलेट नहीं है, मैं वेजिटेरियन हूँ भाई। हो वाह देखिए ये सर हो गया, मैंने आपको दिखा दिया ना, अब ये तैयार है। अब उसमें डाल निकाल देंगे सर्विस प्लेट पे। ओके बाय तवा। ये देखिए ये इस तरह से उत्तपम बनेगा, ये मैंने कोकोनट की चटनी बनाई थी। ओके बाय, सी यू।